हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। क्या आप जानते हैं वो कौन सा देश है दुनिया का जिसकी आबादी करोड़ में नहीं है लेकिन पूरी दुनिया उसे सलाम ठोकती है। एक ऐसा देश जिसके दुश्मन तो बहुत है लेकिन कोई उनकी तरफ आंखें उठाकर नहीं देख सकता। एक ऐसे देश जो कि इस समय हमें यानी कि भारत को सबसे ज्यादा मदद कर रहा है। आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने वाले हैं वो देश टेक्नोलॉजी का बादशाह है। वॉइस मेल जैसी सुविधा को पहली बार इसी देश में डेवलप किया गया है। ये वो देश है जहां जन्म लिया था जीसस ने। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश इजराइल की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इजराइल के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि इजराइल का ऑफिशियल नाम है स्टेट ऑफ इजराइल। देश की कुल जनसंख्या आज लगभग 92.2 लाख के आसपास है। इजराइल के 94% लोग बड़े शहर में रहते हैं और सिर्फ 6% ही गांव में रहना पसंद करते हैं। इजराइल की सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट देश से मिलती हैं। इजराइल की राजधानी शहर है यरूशलेम, जो जीसस का जन्म स्थान था। सबसे ज्यादा महंगे देशों की जब भी बात होती है तो इस शहर का नाम आता है। सबसे ज्यादा यहाँ की महंगाई जो जान निकाल देती है वो है प्रॉपर्टी। दोस्तों इजराइल ने बीते वक्त में बहुत कुछ दुख सहा है। आपको तो पता ही होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने तकरीबन 20 लाख यहूदियों को जान से मार दिया था जो इजराइल के निवासी थे। अब आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश को इससे उभरने के लिए कितना वक्त लग सकता है। आज के इजराइल को देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि एक वक्त ऐसा भी गुजारा है इन्होंने। लेकिन इतने बुरे वक्त देखने के बाद भी इजराइल के लोगों ने कभी किसी के सामने एक आंसू नहीं बहाया। इजराइल के मुंह से कभी भी इस घटना के बारे में जिक्र करते हुए नहीं सुना गया, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर जवाब बातों से कम और कामों से ज्यादा होता है। यही है इजराइल देश की ताकत। सबने इजराइल को तंग किया है, सबने सोचा कि ये यहूदी लूटने के लिए ही आए हैं। इन्हें मार दो, इन्हें लूट लो, इनके साथ कुछ भी कर लो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि चुपके से सब कुछ सहने वाला ये देश एक दिन इतना ताकतवर बनेगा। आज इजराइल के सामने कोई भी देश आंखों से आंखें मिलाकर देख नहीं सकता। आज कोई भी इजराइल का दुश्मन देश इनके सामने खड़ा नहीं रह सकता। इजराइल इतना ताकतवर बन गया कि आज के दिन अमेरिका भी इनसे मदद मांगता है। इजराइल अपने डिफेंस बजट पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। इजराइल ने लगभग 84,000 करोड़ रुपए अपने डिफेंस बजट में खर्च किए हैं। साथ ही इजरायली सेना दुनिया की चौथी बड़ी सेनाओं में से एक है। इसके साथ ही वहां पर पुलिस के जवानों को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही इजरायल का सिक्योरिटी सिस्टम भी बेहद मजबूत और अचूक है। अच्छी बात यह है कि इजरायल की महिलाएं भी सेना में पुरुषों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन से लड़ती है। बेहद खूबसूरत दिखने वाली ये महिलाएं सैनिक इतनी मजबूत है कि सन 2000 में नियम बदलकर महिलाओं और पुरुषों की यूनिट्स आपस में मिला दी गई। यहाँ कुल सैनिकों में एक तिहाई और ऑफिसर लेवल पर करीब आधी महिलाएं हैं। महिला सैनिकों को भी पुरुषों के बराबर कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इजराइल में उन्हें भी हर तरह के हथियार चलाने और किसी भी हालत से निपटने के लिए इतना मजबूत बनाया जाता है कि वे हर मौके पर खुद को साबित कर सके। दोस्तों इजराइल आतंकवाद की निंदा करता है और उसे जड़ से खत्म करने की कोशिश में लगा है। सबसे खास बात यह है कि इजराइल की सेना जिस 7 खास नियमों को मानकर चलते हैं उसमें से एक है किसी भी युद्ध में ऐसी मजबूत रणनीति के साथ उतरना कि कम से कम नुकसान हो। इजराइल की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जून 1967 में जब जॉर्डन, सीरिया और इराक सहित आधा दर्जन मुस्लिम देशों ने एक साथ इजराइल पर हमला किया तो उसने पलटवार करके सिर्फ 6 दिनों में इन सभी को धूल चटा दी थी। उस हार को अरब देश आज तक नहीं भूले। इतिहास में इस घटना को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। हुआ ये कि कई सारे मुस्लिम देशों ने ये डिसाइड किया कि क्यों न सब एक साथ आ जाए और उसके बाद इजराइल से बदला लिया जाए। इन्होंने एक समझौता किया, जो भी इजराइल पर हमला करेगा उसकी मदद करने के लिए बाकी देश भी आएंगे। इजराइल को ये बात पहले से पता थी कि उसके चारों तरफ दुश्मन आ चुके हैं। उन्हें पता था कि अगर लड़ाई में पहला हमला इन्होंने नहीं किया तो ये परेशानी में पड़ जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जॉर्डन देश में इजिप्ट ने पहला एयरप्लेन बेस बनाया हुआ था और वहां उसके 290 लड़ाकू विमान थे। इजराइल ने सबसे पहले उन्हें तबाह कर दिया। उसके बाद इजराइल ने जमीनी लड़ाई में भी बाकी देशों को हरा दिया, जिसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई इजराइल देश की तरफ आंख उठाकर देखने की। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस, जिसे IDF के नाम से जाना जाता है और इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्म्ड फोर्स में से एक माना जाता है,
ये फोर्स इंसानों की जान बचाने के लिए जानी जाती है। भूकंप के समय से लेकर आतंकवादी हमले तक कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जाए, ये इस काम में माहिर है IDF। बता दूं कि इन्होंने शॉर्ट नोटिस पर कई देश के लिए काम किया है, जिनमें मेक्सिको, केन्या, इंडिया, टर्की और अमेरिका शामिल हैं। दोस्तों, इजराइल दुनिया में उन 9 देशों में शामिल है जिसके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके इस्तेमाल से वो ड्रोन चलाता है। इनके सैटेलाइट सिस्टम इतने स्ट्रांग है कि कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता। सेना बल के साथ साथ इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में भी सबसे आगे है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 95% इजरायली घरों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। इजराइल में सोलर एनर्जी की मदद से ही लोग अपने अपने घरों में पानी को गर्म करने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, होम कंप्यूटर उपयोग के मामले में ये देश दुनिया में सबसे अव्वल है, और माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप भी यही बना था। पहली वॉइस मेल टेक्निक इजराइल में ही विकसित की गई थी। पॉपुलर मोबाइल मैपिंग प्रोग्राम वेज इजराइल में डेवलप किया गया था। अमेरिका के सिलिकॉन वैली की तर्ज पर अरबी में इसे सिलिकॉन वादी कहा जाता है। इजराइल में 3500 से ज्यादा हाईटेक कंपनियां हैं, जो दुनिया में सिलिकॉन वैली के बाद दूसरे नंबर पर आती हैं। अमेरिका के बाहर इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा हब है इजराइल। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इजराइल में ही डेवलप किया गया था। ये बात तो हम सब जानते हैं कि इजराइल में चारों तरफ धूल ही धूल है, लेकिन इसके बावजूद कृषि जगत में क्रांति का उदाहरण है इजराइल। देश का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान में होने और न के बराबर बारिश होने के बावजूद ड्रिप इरिगेशन तकनीक के सहारे इजराइल रोजाना हजारों टन फूल और सब्जियां यूरोप में भेज रहा है। सिर्फ ठंडे माहौल और समुद्र तल से दूर उगने वाले अंगूर को रेगिस्तान के भीतर और वो 45 डिग्री तापमान में उगाकर आज वो वाइन का बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। इजराइल के लोगों को खाना और पीना दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। इजराइल के लोग कॉफी और कैफे इतने अच्छे हैं, आप यकीन ही नहीं करेंगे, लेकिन ये एकमात्र ऐसा देश है जहां स्टारबक्स भी यहां के लोकल कैफेज से हार गए। खाने की बात करें तो यहां लोगों को सुशी खाना बेहद पसंद है। हालांकि ये जापान का डिश है, लेकिन ये इसे बेहद पसंद किया जाता है। यहां के तेल अवीव नाम के शहर में 100 से भी ज्यादा सुशी रेस्टोरेंट्स हैं, और इजराइल में हर साल 1 मिलियन पाउंड से अधिक हम्स खाया जाता है, जो ताहिनी, नींबू के रस और लहसुन से बना हुआ एक स्वादिष्ट पकवान है। इसके साथ ही इजराइल के लोगों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा चॉकलेट की खपत करने वाले देशों में इजराइल तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें कि इजराइल में पाई जाने वाली गाय भी बहुत ही कमाल की होती है। ये गाय साउथ कोरिया देश को छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है। इस देश में आपको कभी भी मिल्क प्रोडक्ट की कमी नहीं मिलेगी। दोस्तों, इजराइल के हर एक लोग फिट हैं। ये लोग जितना खाते हैं उतना एक्सरसाइज भी करते हैं। एक और बात जो इजराइल को बाकी देशों से अलग बनाती है कि यहाँ की सरकार ने दुनिया में सबसे पहले अंडरवेट मॉडल को बैन किया, क्योंकि जीरो फिगर बनाने के चक्कर में कई मॉडल्स कुछ खाती पीती ही नहीं और अपने वजन को कम करते करते बीमार हो जाती हैं। तो यहाँ की सरकार ने इस चीज को खत्म करने के लिए नियम बना दिया कि अगर कोई भी अंडरवेट मॉडल होगा तो उसे इजराइल में काम नहीं मिलेगा। इजराइल के लोगों को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है। यहाँ हर गली में आपको लाइब्रेरी मिलेगी। इजराइल में 2011 में पहली बार लॉन्च किया गया था बस स्टॉप मिनी लाइब्रेरी, जो मुफ्त में किताबें पेश करती है। इजराइल में 18 साल की उम्र तक पढ़ाई मुफ्त है। यहाँ की 8 यूनिवर्सिटीज में मेडिकल और विज्ञान की पढ़ाई पर खास जोर है। प्राथमिक विद्यालय में किताबी पढ़ाई के साथ साथ संगीत, कला, फैशन, डिजाइनिंग और फिजिकल एजुकेशन की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, इजराइल को अगर म्यूजियम्स का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर आपको हर 1 किलोमीटर में एक म्यूजियम देखने को मिलेगा। पर कैपिटा के हिसाब से ये दुनिया में सबसे ज्यादा म्यूजियम्स होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस देश के नाम ही है। क्या आपको पता है कि इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर 50 साल पहले की तुलना में आज ज्यादा पेड़ हैं, और हर साल आधा अरब प्रवासी पक्षी बसंत और पतझड़ में इजराइल से गुजरते हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों, इजराइल में कई सारे खूबसूरत, अनोखे और ऐतिहासिक जगह हैं। दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान जुडियन रेगिस्तान इजराइल में है, और जेरूसलम में स्थित माउंट ऑफ ऑलिव्स दुनिया का सबसे पुराना लगातार इस्तेमाल किया जाने वाला कब्रिस्तान है। ये जगह लगभग 3000 साल पुरानी है। दोस्तों, इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल, जिसकी वैल्यू लगभग 23.24 भारतीय रुपए के बराबर है। चूंकि ये देश काफी महंगा है, इसलिए यहाँ घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 2,50,000 रुपए खर्च करने होंगे।
तो दोस्तों ये था दुनिया का सबसे ताकतवर देश इजराइल। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किया है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।